आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फ़ोन में व्हाट्सएप कीबोर्ड से कीबोर्ड का फ़ोटो कैसे हटाएं। तो अगर आपके कीबोर्ड के बैकग्राउंड में कोई फ़ोटो लगा है तो ये फ़ोटो कैसे हटाएं, तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग में अब नीचे आइए, नीचे ये एडिशनल सेटिंग्स आएगा तो एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करिए। ऊपर अब ये कीबोर्ड एंड इनपुट आएगा या फिर लैंग्वेजेस एंड इनपुट आएगा, इस पर क्लिक करिए। अब ऊपर ये करंट कीबोर्ड आएगा, इसके नीचे मैनेज कीबोर्ड आएगा तो ये मैनेज कीबोर्ड पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपके फ़ोन के सारे कीबोर्ड आ रहे हैं। अब ऊपर ये जीबोर्ड आएगा तो ये जीबोर्ड पे क्लिक करिए। तो अब आप जीबोर्ड की सेटिंग में आ गए हैं। या फिर सेटिंग में आने के लिए जब आप व्हाट्सएप में टाइपिंग के लिए कीबोर्ड ओपन करेंगे तो आपके व्हाट्सएप में कीबोर्ड में एक ये सेटिंग्स का आइकन आएगा, तो ये सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करिए। सेटिंग में आने के बाद अब ये लैंग्वेजेस आएगा, नीचे प्रेफरेंसेस आएगा, इसके नीचे थीम आएगा तो ये थीम पे क्लिक करिए। यहाँ पे अब आपके माय थीम्स में डिफ़ॉल्ट आएगा नीचे, तो डिफ़ॉल्ट में से कोई थीम आपको लगानी है तो जैसे कि हमने ये डिफ़ॉल्ट वाले कलर पे क्लिक किया, आप ये नीचे इनमें से कोई भी लगा सकते हैं फ़ोटो को हटाने के लिए। हमने ये डिफ़ॉल्ट पे क्लिक किया, उसके बाद नीचे ये अप्लाई आएगा, अप्लाई पे क्लिक करिए। अप्लाई होने के बाद अब ये राइट टिक आएगा। अब बाहर आइए और अब चेक करिए आपके व्हाट्सएप कीबोर्ड से फ़ोटो हट गया है, तो अब आपका नॉर्मल कीबोर्ड आ रहा है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।